So guys, welcome to this YouTube channel Fish Tag and it's me Vinsana and you're watching Fish Tag. Guys, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया सेकंड नंबर की ऐसी कंट्री होगी जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में अभी टॉप में आने वाली है. बिकॉज अभी का जो टेक न्यूज है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि 24 ऐसे स्मार्टफोन कंपनीज है जो कि इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है. गाइस, मैं आपको बता दूं कि 300 से भी ऊपर ऐसे कंपनीज हैं जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के अंदर अलग अलग लोकेशन में अपना सर्विसेज स्टार्ट कर चुकी है. गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट कंट्री है जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे टॉप में आती है पूरी प्लैनेट में, पूरी दुनिया में. गाइस, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना के अंदर ऐसे बहुत सारे गैजेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट एकमात्र इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि सेकंड नंबर में आने वाली है सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के. गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल फोन कंपनीज है जो कि अपना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है. गाइस, गुड न्यूज ये है कि इंडिया के अंदर इतने सारी कंपनीज अगर आती है, इतनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होती है सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो काफी ज्यादा मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो जाएगी. गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा कारोबार है मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है. आए दिन आपने देखा कि न्यू सेल फोन लॉन्च हो रहे हैं, देन इवन अभी का जो टाइमिंग था जिसमें सेल फोन के जो प्राइसेस थे काफी ज्यादा बढ़ चुके थे. बिकॉज जो भी सेल फोन है वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होकर इंडिया आती है, ऐसे में जो शिपिंग चार्जेस है लाइक जो भी वहां का जो कॉस्ट है और इंडिया का जो जीएसटी चार्जेस है ये सारी चीज को काउंट करके एफरॉक्स जो सेलफोन का प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती थी. बट अभी के टाइम में जो आने वाली टाइम में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है अपने सेलफोन को लेके. गाइस, जैसे कि आपको सैमसंग कंपनी के बारे में बताऊं कि सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जो कि अपना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. आफ्टर दैट ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया के गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके इंडिया के अंदर अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग लोकेशंस में अपना मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर चुकी है. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 ऐसे कंपनीज हैं, 300 ऐसे कंपनीज एस्टैब्लिश हो चुकी है जो कि इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुकी है. गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि मैं आपको बताना चाहता था कि इंडिया सेकंड नंबर की ऐसी कंट्रीज होगी जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पे आने वाली है. गाइस, चाइना, जैसे कि पता है कि चाइना के अंदर जो भी सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो 24 मोबाइल कंपनीज ऐसी है जो कि अब इंडिया के अंदर स्विच होने वाली है, यानी कि चाइना से निकलकर इंडिया में आने वाली है और इंडिया के अंदर ये सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हैं. गाइस, ये काफी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए बिकॉज इंडिया के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें काफी अच्छी है एक हद तक. सो गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये न्यूज आपको कैसा लगा. देन अगर आपको कुछ पर्सनल ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना. गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो. गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.